नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRB ग्रुप डी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम शेड्यूल के लेके यहाँ पे दोस्तों अपडेट आया है। आपका RRB ग्रुप डी का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, साथ ही साथ दोस्तों RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए SC ST कैंडिडेट कब तक अपना ट्रैवल पास डाउनलोड कर पाएंगे, उसके साथ साथ दोस्तों आपका एग्ज़ाम कितना दिन तक चलेगा, कितना शिफ्ट में होगा, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस न्यूज़पेपर पर जहाँ पर दोस्तों ये अपडेट आया है कि आपका RRB ग्रुप का एग्जाम कब तक शुरू होगा, उसका शेड्यूल कब तक जारी होगा, कितना दिन तक एग्जाम चलेगा, कितना शिफ्ट में एग्जाम होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, उसके साथ साथ दोस्तों जो भी यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है वो अपना ट्रैवल पास कब तक डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बारे में आपको पूरा अपडेट दी गई। चले मैं आपको लेके चलता हूँ उस न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट जो आया है, यहाँ पे बिहार से ग्रुप डी के परीक्षा में 19.5 लाख होंगे शामिल। यानी कि दोस्तों केवल ही केवल बिहार से जो है 19.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताया कुछ दिन पहले RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB के द्वारा अपडेट दी गई है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, RRB ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 17 अगस्त से शुरू होगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना से अपडेट आया है, यहाँ पे RRB ग्रुप डी की परीक्षा में बिहार से 19.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उम्र से आवेदन करने वाला अभ्यर्थी की संख्या 5,08,000 से अधिक है, वही देश भर से आवेदन की संख्या 1,15,67,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूरा देश भर में 1,15,00,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके माध्यम से 1,03,769 पद पर नियुक्ति होगी। पूर्व मध्य रेलवे में पद की संख्या 3,565 के करीब है। इस परीक्षा के संभावित तिथि पहले 17 अगस्त थी, यानी कि दोस्तों पहले ही RRB के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी किया था, जहाँ पे बताया था कि आपका RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपका 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। अधिसूचना के अनुसार ग्रुप डी में रेलवे से CCA करने वाले अभ्यर्थी को बजट दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। इसमें पहले से प्रावधान किया गया है कि 20% सीट ITI वालों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जिन सभी कैंडिडेट ने CCA किया है उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ITI जिन सभी ने कैंडिडेट ने किया है उसको यहाँ पे 20% यहाँ पे दोस्तों सीट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र अगर अपने मेरिट से ऊपर आते हैं तो तभी यहाँ पे चयन होगा। RRB ने बदलाव के बाद तय किया गया है कि एक ही परीक्षा में आधार पर अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले आपका नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपका CB2 होने का चांसेस है, लेकिन दोस्तों उसके बाद RRB के द्वारा नोटिस जारी किया, जहाँ पे दोस्तों बताया था कि आपका RRB ग्रुप डी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका मेडिकल होगा, DB होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हालांकि कुछ पदों में शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी, इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं कि RRB ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 60 दिन लगातार 2 से 3 चरण में होगा परीक्षा। यानी कि दोस्तों 60 दिन तक चलेगा ये आपका एग्ज़ाम। RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 60 दिन तक चल सकता है और ये हर दिन जो है 2 से 3 शिफ्ट में हो सकता है एग्ज़ाम। 17 अगस्त से यहाँ पे एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। परीक्षा के 1 हफ्ता पहले जारी होगा एडमिट कार्ड। यह दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो है परीक्षा के 1 हफ्ता पहले जारी किया जाएगा। RRB ग्रुप डी के परीक्षा का एडमिट कार्ड कम से कम 1 हफ्ता या तो फिर 4 दिन पहले जारी होगा। वही RRB SC व ST वाला उम्मीदवार का पहले ही टिकट जारी कर देता है। इसके अलावा अलग अलग बोर्ड अपने हिसाब से परीक्षा संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करते हैं। बिहार के छात्र लगभग सभी RRB के लिए आवेदन करते हैं। जहाँ कि दोस्तों यहाँ पे सभी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया कि बिहार का छात्र जो है वो सभी RRB के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं। आपका एग्ज़ाम के 4 दिन या तो फिर 10 दिन पहले जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो है आप अपना CT इंटीमेशन जो है यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो भी SC ST कैंडिडेट है वो अपना ट्रैवल जो पास है वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो है RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है, आपका एग्ज़ाम जो है
17 अगस्त से शुरू होने वाला है और ये एग्ज़ाम 60 दिन तक चलेगा। और ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों एवरीडे यानी कि हर दिन 2 से 3 शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।